أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। ये बयान किताब सुन्नी बहश्ती ज़ेवर कामिल से बयान किया जा रहा है, जिसको तहरीर फरमाया है खलील मिलत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलील खान कादरी बरकाती कुद्दुस सिर्रहुल अज़ीज़ ने। मुहर्रमात का बयान। हियत इज्तमाई की दुरुस्ती का इन्हसार इस बात पर है कि निज़ाम खानगी दुरुस्त हो, और खानगी निज़ाम का एक अहम जज ये है कि निकाह किस किस के साथ जायज़ है और किस के साथ नाजायज़। कुरान करीम ने एक मुकम्मल फहरस्त देकर हमें हराम व हलाल औरतों का पता दिया। मुहर्रमात वो औरतें हैं जिनसे निकाह हराम व नाजायज़ है, और ये दो किस्म की औरतें हैं। एक वो जिनसे निकाह हमेशा हमेशा के लिए हराम है, दूसरी वो जो किसी खास सूरत व ज़माना मईना में हराम है। हुर्मत के चंद असबाब हैं, मसलन नसब। इसके तहत सात औरतें मुतलकन हराम हैं। माँ और माँ से मुराद वो औरत है जिसकी औलाद में ये है, बिला वास्ता या बिल वास्ता, लिहाजा दादी नानी पर नानी अगरचा कितनी ही ऊपर की हों, सब हराम हैं, और ये सब माँ में दाखिल हैं। और सौतेली माँ भी हकीकी माँ की तरह हराम कतई है, और उसकी हुर्मत वैसी ही है जैसी हकीकी माँ की। बेटी और बेटी से मुराद वो औरतें जो उसकी औलाद में हैं, ख्वाह बिल वास्ता या बिला वास्ता, लिहाजा पोती पर पोती, नवासी पर नवासी, सब हराम हैं। बहन ख्वाह हकीकी हो यानी एक माँ बाप से हो या सौतेली के बाप, दोनों का एक है और माएँ दो, या माँ एक है और बाप दो, सब हराम हैं। फूफी खाला और बाप, माँ दादा दादी नाना नानी वगैरह, हम उसूल के फूफियाँ या खालाएँ अपनी फूफी और खाला के हुक्म में हैं, ख्वाह हकीकी हो या सौतेली, यूं ही अपनी खाला सगी हो या सौतेली। मसलन माँ के हराम कतई है। हाँ बाप की मनकूहा यानी सौतेली माँ की बहन हकीकी हो या सौतेली, वो माँ के हुक्म में नहीं। भतीजी भांजी और उससे मुराद भाई बहन की औलाद है, उसकी पोतियाँ नवासियाँ भी उसी में शुमार हैं। यूं ही भतीजी भांजी की औलाद के सब हराम हैं। जिना से बेटी पोती बहन भतीजी भांजी भी मुहर्रमात में दाखिल हैं, और भतीजी अगरचा सौतेली हो चचा पर हराम कतई हैं। आलमगीरी फतावया रिजविया वगैरह। मुसाहिरत यानी ससुराली रिश्ते। इस सिलसिले में हसब जील औरतें हराम फरमाई गई हैं। नंबर एक, जोजा मौतुआ यानी वो औरत जिसके निकाह के बाद वती की गई की लड़कियां। नंबर दो, जोजा की माँ दादियां नानियां। नंबर तीन, बाप दादा वगैरह उसूल जिनकी ये औलाद हैं उनकी बीबियां। नंबर चार, बेटे पोते वगैरह जो उसकी औलाद में हैं उनकी बीबियां। जिस औरत से जिना किया उसकी माँ और लड़कियां जानी के लिए। नंबर छः, जिस औरत से जिना किया गया वो जानी के बाप दादा और बेटों के लिए। भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन।